हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आर वी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। एंड नाउ पहले दरवाजा बंद कर ले बिग एंड आई शो यू टाइम। दिस इज 12:30। इन कुछ व्लॉग के पहले हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि कुछ यहाँ पे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, यू नो, हमारे प्रेमाइसिस में ही, लाइक लीजिंग ऑफिस में, एंड देन यहाँ पे जो क्लिनिक है वहाँ पे है। तो दे आर काइंड ऑफ लाइक माय वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे वो लोग फ्रेंड हो गए हैं मेरे। तो आई थॉट कि उन लोगों को हम लंच पे बुलाएंगे, तो आई हैड इनवाइटेड देम एंड वो लोग ड्यू टू सम रीज़न नहीं आ सके। एक दिन पहले आई सेड कि मंडे को आओ, तो मंडे कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं आ सके। दे प्रॉब्लम नहीं था, दे हैड देयर ओन एंगेजमेंट, तो वो लोग नहीं आ सके। देन आई सेड कि कम ऑन ट्यूसडे, तो समथिंग एल्स दे वर प्री ऑक्यूपाइड दैट डे इवन, और मुझे टाइम भी नहीं मिला था कि इवनिंग में बुलाए एंड ऑल दैट, बिकॉज देन माई ओन वर्क एंड ऑल दैट। फिर देन आई मूव्ड, चले गए वहाँ, आप लोग सब से शेयर किए। एंड नाउ बहुत मुश्किल से सबको एक्यूमुलेट करते हुए टुडे आज समय हुआ है कि हम उन लोगों को लंच पे कॉल करें। लेकिन यू नो व्हाट, एक मिनट मैं कॉम्बर ले लूँ या एंड लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, कॉम्बर कर लेते जल्दी जल्दी। यू नो देन व्हाट हैपेंड कि घर में सिंस टाइम फॉर मी टू मूव फ्रॉम हियर, तो घर में नहीं कर पा रहे बिकॉज मेरे घर में ग्रॉसरीज हम बहुत ही लिमिटेड रखते हैं, बिकॉज वेरी सुन विल बी मूविंग हियर। एंड उसके बाद अगर किसी को भी लंच में बुलाया तो ऑब्वियसली अच्छे से खाना बनाएंगे डेफिनेटली, लेकिन जैसे घर में मेरी ऑयल है, कुकिंग ऑयल, बस दिस मच इज लेफ्ट, उसमें थोड़ी सी बटर वगैरह डाल करके हम बना लेते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट दिस थिंग्स टू बी फिनिश्ड। एंड कुछ भी बनाएंगे तो बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स लाना होगा, वी हैव टू मूव। एंड उसके बाद फ्रिज भी हम लोगों को 24 आवर्स बिफोर वी पैकिंग वगैरह शुरू होता है, वी हैव टू टर्न इट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें करना होता है, तो घर पर हम नहीं कर पा रहे। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, इन लोगों से प्लान किया सर कि चलो मिलना ज़रूरी है, तो नीचे हम लोगों के सोसाइटी में नीचे रेस्टोरेंट है, स्वादिष्ट रेस्टोरेंट, तो वहीं चलते हैं। तो नाउ वेरी सुन 5-10 मिनट्स में लोगों की ऐसे 1 to 2 इज़ देयर लंच टाइम, लेकिन आज स्पेशली वो लोग 12:45 उन लोगों ने लंच के लिए 50 मिनट्स पहले उन लोगों ने ब्रेक लिया है। आई एम ऑल्सो रेडी एंड आई शो यू, बहुत पहले यू नो इस तरह से साइड में ये कट है, दिस इज लॉन्ग काइंड ऑफ ड्रेस, अभी तो चप्पल पहने। आई जस्ट कॉम माई हेयर, अभी तो माई हेयर इज स्टिल वेट, तो आई जस्ट कॉम माई हेयर एंड इसे खोलेंगे एंड चलते हैं उन लोगों के साथ। जस्ट 5 मिनट्स में निकलेंगे, जस्ट आई एम डन, आई जस्ट ग्रैब माई बैग एंड निकलेंगे। एंड फिर जो भी होगा रेस्टोरेंट वगैरह में, कभी आप लोगों को एक दो बार ले गए हैं वहाँ, लेकिन बहुत पहले यू नो जब यहाँ शुरू आए थे तो वहीं पे हम लोग जाकर गेट टुगेदर वगैरह करते थे। एंड नाउ अभी गोइंग बैक, अभी आज भी जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट आई ग्रैब माई बैग फॉर माई हेयर एंड लेट्स गो। या दिस इज माई हेयर, दिस इज माई कॉम, दिस इज माई हेयर, कुछ भी या शैम्पू किया है, नॉर्मल शैम्पू, कुछ भी नहीं, कोई हेयर केयर है ना, दैट नथिंग। मिलते हैं। एंड नाउ आई एम रेडी एंड टच द ग्रीन ग्रीन ग्रास होम, एंड आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देते हैं। This is it सर से कट है, यहाँ पे पुट अ बेल्ट एंड लेट्स गो। बस नीचे ही जाना है यू नो अपनी बिल्डिंग के लिए। एंड जब तक हम रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, आप लोग एक रेसिपी देख लीजिए, बीन्स की रोटी, यू नो बीन्स ग्रीन वेजिटेबल है, कितना गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन व्हाट हैपन्स कि बहुत लोगों को पसंद ही है, एंड वेजिटेबल्स हम लोगों को खाना ही चाहिए। तो आज सुबह बनाए हैं बीन्स की रोटी, तो जब तक हम ऑफिस रेस्टोरेंट पहुँच ही गए स्ट्रेट हियर अंदर दिस साइड, तो जब तक हम पहुँचते हैं आदि की बीन्स की रोटी, अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते बीन्स यू नो, तो इस तरह से बीन्स बनाइए, बीन्स की रोटी या
बहुत लोगों को बीन्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन पता है कि ये ग्रीन वेजिटेबल है और हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी बीन्स की एक रेसिपी बताते हैं। तो बीन्स को अच्छे से वॉश करके नमक पानी डालकर प्रेशर कुकर 2 सीटी ऑन हाई फ्लेम कुक कीजिए। 2-3 मिनट के लिए सिम कीजिए एंड गैस ऑफ कर दीजिए। एंड जब प्रेशर हट जाए तो इसे निकाल करके एक प्लेट में रख के ठंडे होने दीजिए। उसके बाद इसको मिक्सी में पीस करके एक बैटर बना लीजिए और इसी बैटर से, बीन्स के बैटर से आटा सानिए और एक नॉर्मल जो रोटी की डो बनाते हैं वो बनाइए एंड रोटी बनाइए। बहुत ही अच्छा हेल्दी रहता है एंड जैसे रोटी को आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खाते हैं, दाल के साथ खाते हैं, खाइए, है ना, बहुत ही अच्छा वे टू कंज्यूम बीन्स हु डोंट लाइक इट। एंड यहाँ पे कुछ फंक्शन है, दिस साइड यू नो, दिस साइड कम्युनिटी हॉल है, हियर आई एम नॉट इन्वाइटेड। ओके, बेबी शावर। ओके, चलिए मैं पहुँच गई, एक कॉल भी आ रहा है। एंड नाउ आई एम इन द रेस्टोरेंट। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बुफे सिस्टम है एंड ये प्लीज। दिस इज स्मॉल रेस्टोरेंट है एंड दिस इज बुफे सिस्टम। तो यहाँ से पिक करना है एंड दिस इज, सो दीज आर प्लेट्स एंड चटनीज। फर्स्ट टाइम हो रहा है बिकॉज दिस रेस्टोरेंट हैज बीन टेकन बाय समवन एल्स और जनरली मेन्यू कार्ड रहता है न्यू प्लेस ऑर्डर, बट नाउ दे हैव फिक्स्ड बीन एंड थोड़ी सी देर में सब बिल्कुल मे भी देख देख लेके कर क्या ही है। एंड आफ्टर हैविंग सच ए यमी फूड, इतना अच्छा लगा, देखिए कितनी भीड़ था, सो मैनी पीपल आर कमिंग। तो आई जस्ट टोल्ड माई फ्रेंड्स कि हम तुम लोग आओगे व्लॉग में, तो दे अग्रीड, जैसे कि हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। तो आई एम सो हैप्पी, चलिए आप लोगों को भी मिलवाते हैं। तो दे आर द वन, शी इज नर्स हियर एंड बोथ ऑफ देम वर्क इन द ऑफिस, लीजिंग ऑफिस। एवरी मंथ यू नो आई जस्ट विजिट देम, so it's so nice, so I thought please get together kare and it's so nice to see them. Yeah, I tell you, food is really really very nice, we all like it so much. I was expecting even dal, you know, we have typical taste, but here dal is different and very new dessert, very new sabzi, you know, Nutella with drumstick, yeah, sajan bolte hain. वन मोर फोन इज कमिंग, अभी आना था, जब भी रिकॉर्ड करते ना फोन स्टार्ट्स कमिंग। एंड बैक फ्रॉम देयर एंड आई शो यू टाइम, लुक एट द टाइम, जस्ट 14:15 और हम आ गए हैं। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज, यू नो, मुझे लगा कि वो लोग शायद नहीं आएगी फॉर यूट्यूब में दैट, बिकॉज आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड दे डोंट वॉन्ट टू कम ऑन यूट्यूब, कि नहीं मतलब बट दे आई डिड नॉट, आई एस एम की वुड यू लाइक टू कम, बिकॉज इफ यू कम ऑन यूट्यूब पीपल अराउंड वर्ल्ड विल सी यू एंड दे अग्रीड, या सो आई लाइक इट सो मच। एंड सिंस देखिए एकदम देयर ऑफिस टाइमिंग इज फ्रॉम 13 to 14 hours, that is lunch time. Now that lunch time is over, they went back their office and I came back home. तो बहुत ही अच्छा लगा, you know, मुझे लगा कि घर में हम नहीं कर पाए, but then yeah, जो भी था अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, really really had nice time. And you know, इतने दिनों से रहते रहते एक तो bonding तो हो ही जाता ना, तो kind of like yeah, time for me to leave the place, but I feel little sad, yeah. And now I'm at home and I show you time. This is 19:30 and meri chai ho gayi hai, one round my chai is done and now I'm going to have another. And thank god, you know, aaj meri washing machine ke log aa gaye hain and they are working.
आप लोगों को थोड़ी सी दिखाते हैं। सेकंड राउंड चाय है, दो बार, एक बार चाय बनाए, एक और मेरी फ्रेंड आने वाली थी सीसेट, तो उसके लिए भी हम बनाए। मदर सीसेट की शी इज़ नॉट कमिंग, तो दैट टी आई एम गोइंग टू हैव। एंड चलते किचन में आप लोगों को दिखाते हैं। I think it's time to take my time. दस की 20 मिनट्स लगेगा, 20-25 मिनट्स लगेगा। देखिए आज 19 आवर्स एंड यू सी इट्स 40 मिनट्स ऑलमोस्ट पास्ट 19 आवर्स और अभी तक हुआ नहीं। आई नो टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। और जब हम दोपहर में फ़ैन ऑफ कर देते हैं ना, लाइव आवाज़ आती। दिन के समय जब हम गए थे ना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ लंच पे, तो दिस टाइम यू नो जब हम नीचे गए थे, तो व्हेन आई वाज हैविंग लंच विद माय फ्रेंड्स इन द रेस्टोरेंट, तो दैट वॉज द टाइम ही केम एंड ही केम सेट की जो पार्ट ख़राब है उसे ले जाएंगे, एंड देन जहाँ भी इन लोगों की कंपनी होती है या इन लोग की स्टोर हाउस होती है, वहाँ से मैच करके, कुछ नंबर वगैरह मैच करना होता है तो वहाँ से मैच करके ले आएंगे। तो आई सेट कि वाई यू आर टेकिंग द इक्विपमेंट, आप नंबर यहाँ देख लीजिए एंड जस्ट मैच द नंबर एंड ब्रिंग द पार्ट। ही सेट कि नो, फिर हमको अगेन आना होगा, जाना होगा, फोर टाइम्स आई हैव टू डू। तो ही दो एक वीक पहले ही केम टू सी की प्रॉब्लम क्या था, ऑनलाइन ऑर्डर भी हुआ बट अंटिल नाउ नहीं आया। बट गोडाउन में इन लोगों के पास दे हैड न्यू, या मेरे सामने न्यू इक्विपमेंट था, या अनबॉक्स किया मेरे सामने ही। थैंक गॉड मुझे हो जाएगा। एंड आज इतने दिनों से यू नो कभी इस दो तीन फ्रेंड के घर, कभी इस फ्रेंड के घर, कभी उस फ्रेंड के घर, कभी उस फ्रेंड के घर जा कर के कपड़े धोना, बट या माई फ्रेंड्स आर सो नाइस गुड। एंड एक और फ्रेंड थी वो आने वाली थी, उसके लिए हम चाय बनाते हैं। सेट की एकदम क्वार्टर कप चाय बनाइएगा, यू सी। तो आई सेड ओके फाइन, द वो शी इज़ नॉट कमिंग, तो आई एम गोइंग टू हैव इट हॉट। एंड चलिए आई थिंक हम एंड कर देते हैं व्लॉग आज की। इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट हो गया, अब क्या शेयर कर, दिस नथिंग टू शेयर, नॉट अ टाइम फॉर अस टू हैव अ डिनर। लेकिन आज एंड आज रेस्टोरेंट गए थे ना नीचे, आप लोगों को दिखा है, तो आज बिल्कुल डिफरेंट खाना मिला। आई थिंक लॉन्ग लॉन्ग बैक आपके साथ शेयर किए थे कि नीचे रेस्टोरेंट है, जा रहे हैं फॉर लंच विथ फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, लंच डेट विथ फ्रेंड्स समथिंग लाइक दैट, इस तरह की टाइटल लगाते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट बट दे हैव चेंज बिकॉज दिस रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओवरटेकन बाय समवन एल्स। दिस जिनका पहले था ना उन्होंने सेल कर दिया, किसी और ने लिया है। एंड दे हैव मेड वेरी सिंपल, एकदम काइंड ऑफ लाइक घर की खाना, एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड द स्वीट डिश जो था ना, दैट वाज आल्सो, आई मीन इट वाज एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज सो नाइस गुड। एंड एक सब्जी था दैट वाज न्यूट्रीला एंड सहजन, ड्रमस्टिक जिसे आप लोग कहते हैं, दैट वाज रियली नाइस। ओ माय गॉड, न्यूट्रीला एंड सहजन की सब्जी, आई थिंक आप लोग भी पहली बार सुन रहे हैं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि ऐसा भी होता होगा, बट देन या आई लाइक इट सो मच। एंड आई वॉन्टेड टू आस्क द शेफ कि जिसने बनाया था, आई थॉट कि उससे पूछे कि आपने बनाया कैसा है। जनरली आई डू इट, कुछ टिपिकल काइंड ऑफ सब्जीज वगैरह अच्छा लगता है ना, तो आई डू आस्क द शेफ, आई मीन द शेफ जो मेन कुक होते हैं, बट टुडे ही वाजंट अवेलेबल। मतलब वो लोग कुकिंग प्रोसेस तो बताते नहीं, ऑब्वियसली अपना सीक्रेट रहता है, बट देन कुछ तो बताते। आई थिंक टैमरिंड था एंड ग्रेवी वॉज वेरी नाइस, सो आई वॉन्टेड टू नो कि एग्जैक्टली ग्रेवी में है क्या, मसाला वगैरह तो वही रहता है बट एग्जैक्टली ग्रेवी में था क्या, प्याज था या कुछ सीड वगैरह डालते हैं लाइक तरबूज, किसी डायमंड वाटर मिलन सीड एंड समथिंग, या माइट बी नारियल की पेस्ट समथिंग, आई गेस, आई डोंट नो। लेकिन वो थे नहीं, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, डील बहुत अच्छा था। या एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने दिनों से ऑर्गेनाइज करते करते उन लोगों का, बिकॉज यू नो मेरी वॉशिंग मशीन इतने दिनों से ख़राब थी। आई स्टिल सेड माई हाउस हेल्प वॉज देयर, माई सन वॉज एट होम,
आई सेड आप लोग देखो वैसे क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, ही विल कम सी एंड टेक ऑल द पार्ट एंड एवरीथिंग बिकॉज द पर्सन हैड एक्सप्लेन मी कि ऐसे ऐसे होगा. तो इन द इवनिंग व्हेन ही केम यू नो ही सेड ओ मैडम यू आर एट होम सो आर यू गोइंग टू स्टे होम फॉर एन आवर और सो. आई सेड व्हाई ही सेड बिकॉज देन वी आर डूइंग द वर्क सो एट लास्ट वी हैव टू क्लीन क्लोथ्स इन आवर प्रेजेंस कि हमारे प्रेजेंस में आपको कपड़े धोली सो दैट वी कैन सी इफ द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली. आई सेड या आई फेल्ट लाइक लाफिंग दे माइट बी थिंकिंग आई डोंट स्टे होम नो बिकॉज एवरी डे आई वाज कॉलिंग हिम यू नो एवरी डे ट्वाइस अ डे आई वाज कॉलिंग व्हाट हैपेंड प्लीज कम आई एम हैविंग प्रॉब्लम बट द डे दे केम आई वाजंट एट होम सो दे वर सरप्राइज्ड. तो वेल इट हैपेंस. तो चलिए आई एम मोर देन हैप्पी कि आज मेरी वॉशिंग मशीन बन जाएगी एंड दस बहुत सारे कपड़े वह करें बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर. आई वांटेड कि कुछ कुछ हम साफ करके रख लें एंड सो दैट स्टार्ट वाइंडिंग अप. लेकिन वाइंड अप करने से पहले थोड़ी सी आई डू क्लीनिंग, घर की थोड़ी क्लीनिंग करेंगे. वहाँ जाने से पहले किचन वगैरह क्लीन किया बट स्टिल लिटिल बिट क्लीन बिकॉज किसी और के घर आप लो एंड यू डोंट. माई ओपिनियन इज कि जिस कंडीशन में आई गेट द हाउस उससे बेटर कंडीशन में आई रिटर्न. तो चलिए थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड आई होप आप लोग मेरी ब्लॉग पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय लव यू टेक केयर एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब. एक्सक्यूज मी माय चाय आई नीड टू शेयर विथ यू. और आज हम हाथ में पकड़े हुए हैं मोबाइल, स्टैंड में नहीं लगाए बिकॉज दे आर वर्किंग एंड मेरे को टाइम नहीं मिला था कि जल्दी जल्दी ब्लॉग खत्म कर दें. आई डोंट नो हाउ मच लॉन्ग दे आर गोइंग टू टेक टाइम टू क्लीन. सो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.